न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। द्रोणा पब्लिक स्कूल का वार्षिक महोत्सव हुआ संपन्न। बैतूल के सदर में द्रोणा विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण त्यौहार की तरह मनाया जाता रहा है। यह विद्यालय के लिए आकर्षक का केंद्र है। इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का आयोजन ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 10वीं के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शैलेंद्र कुंभारे, संजय अडलक, गंज थाना TI, मस्कोले कोठी बाजार TI अजय सोनी और सोमेंद्र धुर्वे, गोलू उगड़े, डॉक्टर शकुंतला, परवेश कावरे वहां मौजूद रहे। स्कूल के संचालक पारस भोपते, एडवोकेट परवेश कावरे सहित विद्यालय की प्रबंधन कमेटी के सदस्य वहां मौजूद रहे। छात्रों के अभिभावक गण व शहर के कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम को देखने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे व कार्यक्रम का आनंद उठाया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नन्हे नन्हे बच्चों ने भगवान राम के जन्म की लघु कथा नाटक के रूप में दिखाई एवं बच्चों ने श्रवण कुमार की भी कथा को नाटक रूप में रूपांतरित कर आने वाले सभी दर्शकों का मन मोह लिया। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए बने रहिए हमारे साथ MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।